प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या इमिटर फॉलोअर का भी हमने नाम दिया था उसको, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर की अगर बात करें तो फ्रॉम द स्टार्ट हमने एक चीज़ देखी थी कि जो एम्पलीफायर टाइप्स हैं उसमें हमारे पास बीजीडी के अंदर तीन टाइप्स थी। फर्स्ट थी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, देन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और उसके बाद कॉमन बेस एम्पलीफायर जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी। लाइक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास मिड रेंज गेन जरूर प्रोवाइड कर रहा था वो, बट जो आउटपुट आ रहा होता था वोल्टेज का उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास आउटपुट में कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सिर्फ करंट गेन प्रोवाइड कर रहा था। वी डोंट हैव एनी वोल्टेज गेन फ्रॉम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर की, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर को अगर हम कंसिडर करें तो कॉमन बेस एम्पलीफायर को आप कह सकते हैं कि ये इट वर्क्स कंप्लीटली अपोजिट टू कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इट मींस इन कॉमन बेस एम्पलीफायर वी विल हैव वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन। देन वी यूज कॉमन बेस एम्पलीफायर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर और बफर फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एज इट्स नेम सेज इट्स कॉमन बेस एम्पलीफायर, इट मींस बेस कॉमन होगी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट साइड। हम यहाँ पे इमीटर से इनपुट दे रहे होंगे और जो कलेक्टर होगा उससे हमें आउटपुट मिलेगा। बेस से हम कोई सिग्नल नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट फ्रॉम इमीटर साइड एंड वी आर हैविंग आउटपुट फ्रॉम कलेक्टर साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, और यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस कंडीशन में यूज करना है। इस वजह से बेस के ऊपर हमने क्या किया है, R1 और R2 कनेक्ट कर दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है कैपेसिटर जस्ट टू ब्लॉक सर्टेन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटर की, तो वो क्या कर रहा होता है, डीसी को ब्लॉक कर रहा होता है और एसी को पास कर रहा होता है। अब इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वी कैन सी वी हैव अ सप्लाई एज वेल विच इज माइनस VEE, ठीक है। क्योंकि हम लोग इमीटर से इनपुट दे रहे हैं तो कोई ना कोई सप्लाई भी यहाँ से यूज करनी पड़ेगी। ये हमारे पास इमीटर के अक्रॉस सप्लाई आ रही है। यूजली हम ये कर रहे होते हैं कि जब हम एक्चुअल सर्किट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे इनपुट डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं, इधर से कोई एक्सटर्नल सप्लाई इमीटर के अक्रॉस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसको यहाँ पे हम ग्राउंड रख रहे होते हैं, और VCC अपनी जगह वैसे ही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि ये जो हमारे पास सेकंड सर्किट है, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है और वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट साइड होती है उधर R1 और R2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस दैट इनपुट,
और जो R1 होता है वो VCC के साथ भी कनेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखें, ये वही सेम काम हमने करा हुआ है। VCC से आपका क्या हो रहा है, R1 कनेक्टेड है, RC तो ऑब्वियस है VCC से होने ही कनेक्ट, बट क्योंकि R1 भी कनेक्ट हो रहा था तो हमने यहाँ पे VCC कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद R1 एंड R2, और R1 और R2 का जो कॉमन कनेक्शन था वो एक्चुअली कनेक्ट हो रहा था बेस से। तो ये हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम अभी आगे यूज़ करते हुए इसके ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कि कॉमन बेस एम्पलीफायर किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह पहले हम लोग देखते हुए आए कि जो भी सर्किट हमें मिला है, हम उस पर क्या करते हैं, पहले एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस करते हैं, देन फिर हम उसकी एक्चुअल जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बात की जा रही होती है वो हम फिर यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और कोई सप्लाई एडिशनल नहीं आ रही होती, इसी वजह से ये पार्ट भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड हुआ हुआ है बेस वाला पार्ट। तो ये हमारे पास कॉमन बेस एसी इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इमीटर साइट है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी आ रही होती है वो रिप्रेजेंट हो रही है RE-, और जो कलेक्टर करंट है जो कि हमारा सप्लाई से आ रहा होता है वो IC से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सप्लाई कनेक्टेड थी VCC वो भी रिमूव हो गई है बिकॉज ऑफ AC एनालिसिस। अब यहाँ पे हम इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगा, ये VIN होगा, और ये वी इन कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो भी सप्लाई होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इनपुट दे रही होगी। तो अब अगर हम लोग वी इन को बाय फॉर्मूला देखें तो वी इन एक्चुअली हमारे पास होगा IE-RE-, यानी कि इनपुट वोल्टेज फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर है IE-RE-। इसी तरह अगर अब हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इस एरिया में डेवलप हो रहा होगा, इसकी वजह से आउटपुट हमारे पास होगा वी आउट इक्वल टू IC-RC। अब ये जो RC है ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन है बिटवीन RC, कैपिटल RC एंड कैपिटल RL। तो यहाँ जहाँ पे भी ये RC आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इट कुड बी रिप्लेस बाय कैपिटल RC एंड RL। ठीक है, ये हमारे पास AC इक्विवेलेंट सर्किट इसका है, और इसके अंदर हमारे पास मैंने अभी जो बताया वो वी इन और वी आउट की यहाँ पे बात की है। अच्छा, उसके बाद फर्दर इसमें देखते हैं और कौन कौन से अननोन वैल्यूज हैं जो कि हमें निकालनी होती हैं। सबसे पहले तो हम एक एजम्पशन जो हम सब एम्पलीफायर्स में यूज़ करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है इमीटर करंट के। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जहाँ पे भी IC आ रहा होता है वी रिप्लेस इट विथ IE। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, वी आउट हमारे पास आ गया IE-RC। अच्छा, इसके बाद अगर अब हम देखते हैं आगे, तो अगर अब वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन बाय फॉर्मूला होना चाहिए वी आउट ओवर वी इन। अब वी आउट हमारे पास है IE-RC और वी इन हमारे पास है IE-RE-।
अच्छा, अब यहाँ पे इसी वोल्टेज गेन को फर्दर देखते हैं तो ये आई ई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और वोल्टेज गेन एट द एंड हमारे पास आ रहा है आर सी ओवर आर ई डैश। प्रीवियसली भी हमारे पास जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला ड्राइव होके आ रहा होता है वो कुछ इसी तरह का सिमिलर ही आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गेन के अलावा ऑब्वियस है करंट गेन का भी कोई ना कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। ऑल्दो वी डोंट गेट एनी करंट गेन फ्रॉम कॉमन बेस एम्पलीफायर, बट स्टिल उसका जो कोई ना कोई फॉर्मूला है वो जरूर हमें देखना पड़ेगा जस्ट टू प्रूव दैट के जो करंट गेन है वो वाकई हमारे पास लेस देन वन और इक्वल टू वन होता है। इसकी वजह से उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हो। अच्छा, हमने यहाँ पे जो एजम्पशन ऑब्वियस है की हुई है कि मीटर करंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है कलेक्टर करंट के, तो इसकी वजह से हमारे पास जो करंट गेन अगर हम कंसिडर करेंगे वो हमारे पास आ रहा होगा आर सी ओवर आर एल। अब आर सी ओवर आर एल इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें आर सी एंड आर एल तो जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा करंट का वो एक्चुअली क्या होगा, इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो हमारे काम का करंट होगा वो होगा जो कि अक्रॉस आर एल आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास करंट गेन इसी वजह से आर सी स्मॉल आर सी और ओवर कैपिटल आर एल से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें आर सी जो है हमारे पास वो है स्मॉल आर सी, आर सी पैरेलल टू आर एल। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट गेन का फॉर्मूला ड्राइव होके आ रहा है विच इज आर सी ओवर आर एल। और इसका रीजन यही है कि हमारे पास आर सी और आर एल को अगर देखा जाए तो वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियस है करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट अक्रॉस दी लोड आ रहा होगा वो कम हो जाएगा। और हम लोग इफेक्टिव करंट गेन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आर एल वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये कैपिटल आर सी वाला पार्ट है ये आउटपुट पे हमें नहीं मिल रहा होगा। इस वजह से जो मेन हमारे पास यहाँ पे करंट होगा वो क्रॉस आर एल होगा, जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ करंट गेन कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर अब हम बात करें वोल्टेज गेन की बात हो गई, करंट गेन की भी बात अभी हमने कर ली, उसके अलावा हमने देखा वी आउट और वी इन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर। नाउ अगर अब हम कंसिडर करें इनपुट इम्पिडेंस फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो इनपुट इम्पिडेंस के लिए अगर हम सर्किट पर वापस जाएं एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि इनपुट साइड पे दो रेजिस्टेंस आ रही हैं, एक आर ई डैश आ रहा है और दूसरा हमारे पास आर ई आ रहा है। आर ई डैश का भी अगर हम दूसरा एंड देखते हैं तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड यहाँ पे कॉमन हुआ हुआ है। इट मींस आर ई पैरेलल टू आर ई डैश अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस आ रही है फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस आर ई डैश पैरेलल टू कैपिटल आर ई, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें, मींस आर ई डैश की वैल्यू को और आर ई को, तो इन दोनों वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मीन्स कैपिटल आर ई की वैल्यू होती है किलो ओम्स में और जो आर ई डैश है वो जस्ट ओम्स में जा चल रहा होता है, जिसकी वजह से अगर हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो
तो वो हमें एट दी एंड आर ई डैश के ही बराबर मिल रहा होगा। इस अजम्पशन के हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस एम्पलीफायर की आर ई डैश के बराबर है। अच्छा, ये चीज एक और बात को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस बहुत लो होती है। ठीक है, इससे हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस एम्पलीफायर की बहुत ज्यादा लो है। तो अगर हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर रिकॉल करें तो वहां पे इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है। नाउ अब अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस कंसिडर करें तो हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस वैसे तो देखा जाए तो आर सी मस्ट बी एन आउटपुट इम्पीडेंस फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, बट यहाँ पे हमारे पास आर सी के अलावा एक और फैक्टर है जो कि कलेक्टर के अक्रॉस आ जाता है, वो है रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको 1/HOB से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट इम्पीडेंस आती है एम्पलीफायर की, वो एक्चुअली होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस 1/HOB। तो बाय फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो जेड आउट बराबर हो जाएगा आर सी पैरेलल टू 1/HOB। अब अगर हम 1/HOB की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स तक भी जा सकती है। तो अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रूल है कि जो लोअर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है उसके करीब तरीन हमारे पास क्या होती है, आउटपुट उसका आ रहा होता है जब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन अगर हम आर सी पैरेलल टू 1/HOB लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नियरली इक्वलन टू आर सी ही आ रहा होगा। और इस एजम्पशन की बेस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेड आउट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वलन टू आर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस आ गई यहाँ से, और अगेन क्योंकि जेड आउट इक्वलन टू आर सी आ रहा है तो ऑब्वियस है आर सी हमारे पास क्या होता है, किलो ओम्स में होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज हाई। तो अब तक हमें क्या चीज पता चली कि कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर इनपुट इम्पीडेंस लो होती है और आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस एम्पलीफायर की हाई है। ठीक है, तो ये अगेन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के कंप्लीटली अगेंस्ट है, और मेन रीजन ही यही है कि हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर वी गेट वोल्टेज गेन बट वी डोंट गेट एनी करंट। अब तक जो हमने एसी एनालिसिस के थ्रू ये डिफरेंट फॉर्मूला देखे हैं, अब हम इन्हीं को यूज करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है फाइंड आउट गेन एंड इम्पीडेंस वैल्यूज फॉर दी गिवन सर्किट। अब जो सर्किट गिवन है इसमें हमें क्या डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, सोर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, उसके अलावा हमारे पास एमिटर वोल्टेज दिया हुआ है वी डबल ई, देन हमारे पास VCC प्रोवाइडेड है, आर सी और आर एल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करें एमिटर करंट से फाइंड आउट करना, IE से, तो IE की अगर हम बात करते हैं तो IE ऑब्वियस है एमिटर करंट बराबर होना चाहिए VE ओवर RE, ये वोल्टेज अक्रॉस एमिटर अपॉन RE। बट यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास इमीटर साइड पे एक तो वोल्टेज ये वाला आ रहा है VE VEE,
और दूसरा एक जो वोल्टेज है वो हमारे पास जो आता है वो बेस टू इमीटर जो ड्रॉप हो रहा होता है VB2E, ये दोनों वोल्टेज हमारे पास इमीटर के अक्रॉस आ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो इमीटर करंट का फॉर्मूला है वो होगा VEE+VB2E डिवाइडेड बाय RE, RE हमारे पास इमीटर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें इमीटर करंट फाइंड आउट हो गया विच इज 331 माइक्रो एम्पेयर। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का रीजन ये था कि यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन इजली गेट RE- बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर भी आ रही होगी। तो RE- का फॉर्मूला है 25 मिली वोल्ट ओवर IE, तो यहाँ से हमें RE- फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास RE- की वैल्यू आ गई है। अच्छा, तो यहाँ से अब RE- आ गया। अब बाकी जो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं हम उसकी तरफ जाते हैं, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस की अब हम बात करते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस को हमने क्या क्या एज्यूम करा था कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RE- जस्ट बिकॉज RE- और RE को अगर हम देखते हैं तो RE- है 75.6 ओम और RE है 13 किलो ओम। तो इन दोनों वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू कैन सी के कैपिटल RE इज बाय फार ग्रेटर देन RE-। और इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मैं RE- और कैपिटल RE का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूँगा तो वो हमारे पास नियरली इक्वल टू RE- ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जेड इन आ गई है 75.6 ओम। अब अगर हम बात करें आउटपुट इम्पीडेंस की, तो आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास यहाँ पे जो है अगर रिकॉल करें तो हमारे पास वो थी RC पैरेलल टू 1/HOB, और 1/HOB की वैल्यू अगेन बहुत हाई थी। तो हमने वहाँ पे भी अज्यूम करा था कि जेड आउट इज नियरली इक्वल टू कैपिटल RC। तो यहाँ पे हमारे पास जेड आउट आ जाएगा 10 किलो ओम। उसके बाद अगर अब हम बात करें AC रेजिस्टेंस की, यानी कि कलेक्टर साइड पे जो RC कैपिटल RC पैरेलल टू कैपिटल RL आता है, तो वो वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 3.38 किलो। तो सॉल्व किस तरह करना है, तो भाई हमारे पास स्मॉल RC जो RC AC रेजिस्टेंस है ये होता है RC पैरेलल टू RL। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था प्रीवियसली, वो था RC/RE-। तो हम यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और वोल्टेज गेन हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा विच इज 44.7। देन व्हेन इट कम्स टू करंट गेन, तो करंट गेन का हमारा जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था RC/RL। यू नो दैट RC जो है वो कैपिटल RC पैरेलल टू RL को रिप्रेजेंट कर रहा था, AC रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो करंट गेन हमारे पास अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आ रहा है 0.663। तो यहाँ हम एक चीज देख सकते हैं कि करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज लेस देन 1। ठीक है, कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन लेस देन 1 है। वी हैव अ वोल्टेज गेन
ठीक है, वोल्टेज गेन हम यहाँ देख सकते हैं 44.7 आ रहा है। उसके अलावा कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर वी कैन सी के उसकी इनपुट इम्पिडेंस लो होती है और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे कॉमन बेस एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस देखा है। अच्छा, इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की ही वजह से हम जब बात करते हैं कि भाई इनपुट इम्पिडेंस कॉमन बेस एम्पलीफायर की लो है, आउटपुट इम्पिडेंस हाई है, ठीक है, इट हैज़ अ वोल्टेज गेन, इट हैज़ नो करंट गेन, तो इन करेक्टरिस्टिक्स की ही बेस पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा होता है। मीन्स इट्स नॉट लाइक कि हमें जस्ट कहीं वोल्टेज गेन की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस हैं तो वहाँ उधर भी हम कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमें नॉइजेस कम से कम चाहिए होती, तो क्योंकि कॉमन बेस एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस बहुत लो है जिसकी वजह से हम किसी भी सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो जो उसका एक्चुअल सिग्नल होगा उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो इनपुट फ्रिक्वेंसी, तो इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने यहाँ पे कॉमन बेस एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस कंप्लीट करा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे अभी इसकी एग्जांपल भी देखी है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।